इस वक्त की बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या में शामिल लोगों को कोड नेम दिए गए थे। अतीक अहमद को बड़े का नाम दिया गया था, अतीक के बेटे असद को राधे कोड वर्ड दिया गया था, सभी शूटर्स को अलग अलग कोड नेम दिए गए थे। बातचीत में नाम के बदले कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। शूटर गुड्डू मुस्लिम को चिकन नाम दिया गया था। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड में शामिल जितने भी लोग थे, जो इस साजिश में शामिल लोग थे, उन सभी को कोड वर्ड दिए गए थे और उसी नाम से उन्हें पुकारा जाता था ताकि ये पकड़ में ना आए। लेकिन इस बात का खुलासा पुलिस की तहकीकात में हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रीति, और इस हत्याकांड में शामिल कुछ और लोगों के नाम को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल की जो हत्या की जो साजिश रची गई थी वो लगभग, जब उमेश पाल की हत्या हुई उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले रची गई थी, और सभी लोगों को, जो लोग इसमें शामिल थे, सभी लोगों को एक कोडवर्ड दिया गया था। और ये पूरा जो कोडवर्ड जो दिया गया था वो अतीक का जो छोटा बेटा था उसने ये पूरे कोडवर्ड जो थे वो तैयार किए थे। और सभी को, जब उमेश पाल की हत्या की गई थी उससे पहले सभी को आईफोन भी प्रोवाइड करवाए गए थे, और आईफोन के जरिए कहा गया था कि आईफोन से ही लोग बात करेंगे और एक ऐप के जरिए बात किए जाएंगे। और जो भी लोग इस पूरी हत्याकांड में शामिल थे वो लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे, जो कोडवर्ड दिए गए थे वो उस कोडवर्ड को यूज़ किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो अतीक अहमद जो जेल में, साबरमती जेल में बंद है, उसको बड़े का नाम दिया गया था, और उसका जो भाई है अशरफ जो बरेली जेल में बंद है और जहाँ से पूरी जो साजिश है वो रची गई थी, उसको, उसका जो कोडवर्ड था उसको बड़े मियाँ का नाम दिया गया था, जो कोडवर्ड दिया गया था। शाइस्ता को गॉड मदर का क्या कहते हैं कोडवर्ड दिया गया था, लेकिन इससे ये साबित हो रहा था कि जब वो लोग आपस में बात करेंगे तो किसी महिला से बात करेंगे, इसी वजह से उसका जो कोडवर्ड है वो बाद में चेंज कर दिया गया था, और उसके बाद उसको साई कृपा करके एक कोडवर्ड शाइस्ता को दिया गया था। असद जो उसका सबसे छोटा बेटा था जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है और जिसने खुलेआम फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया था, उसको जो है वो राधे का कोडवर्ड दिया गया था। तो इस तरीके से पूरा जो कोडवर्ड है वो पूरा तैयार किया गया था। तो इस मामले में किस तरीके से पूरी साजिश रची गई और उसमें आईफोन का इस्तेमाल किया गया, ये खबर हमने पहले बताई, लेकिन अब कोडवर्ड को लेकर खुलासा हो रहा है कि अलग अलग नाम दिए गए थे ताकि पता ना चल सके कि किसका जिक्र हो रहा है इस पूरी साजिश के दौरान। शुक्रिया प्रीति।